हेलो एवरीवन वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन आज के सेशन में हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे ओके okay? बेसिकली इस प्रोसेस में हम पूरी नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करेंगे ओके सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है उसको समझने से पहले एक सिंपल सी एनोलॉजी समझते हैं अगर हमें खाने के लिए दिया जाए आटा और आटे से बनी रोटी तो हम क्या प्रेफर करेंगे सो so, बहुत ऑब्वियस सा आंसर है कि हम रोटी को प्रेफर करेंगे ऐसा क्यों बेसिकली जो आटा है वो कंज्यूमेबल नहीं है हमारे लिए या वो हमारे लिए यूजेबल फॉर्म नहीं है ओके लेकिन जब उस आटे से हम रोटी को बना देते हैं तो वो रोटी हमारे लिए कंज्यूमेबल हो जाती है या वो हमारे लिए एक यूजबल फॉम हो जाता है यही बेसिक सा प्रिंसिपल या यही बेसिक सा फंडा अप्लाई होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के पीछे ओके इस जैसे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भरमार है ओके अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स सेवेंटी सिक्स टू सेवेंटी एट परसेंट जो एटमॉस्फेरिक गैस है वो नाइट्रोजन की है तो जब नाइट्रोजन इतना सारा प्रेजेंट है हमारे एनवायरमेंट में तो हम उसे डायरेक्टली यूज़ क्यों नहीं कर पाते ओके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पा रहे तो सिंपल सा रीज़न क्या है कि वो जो है वो हमारा कंज्यूमेबल फॉर्म नहीं है ओके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को एक कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर सके या यूज कर सके अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए जैसा सिंपल मैंने एग्जांपल बताया आटे और रोटी का सेम आप समझ सकते हो तो आटा आपका हो गया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस जो है तो ढेर सारा लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पा रहे या कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं अपने प्रोसेस के लिए ओके अब आप उसी आटे से रोटी बना दें ओके तो आटे से रोटी बनाने का प्रोसेस यानी कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू रोटी यानी कि कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल कर सके और अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म कर सके ओके okay, तो एक सिंपल सा अगर हम एनोलॉजी एनोलॉजी से अगर हम इसको समझें तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी मैं एक सिंप्लीफाइड एनोलॉजी दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे कि एक्चुअली में क्या पढ़ने जा रहे हैं ओके okay, सो so इस प्रोसेस में एक्चुअली में क्या होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है इस नाइट्रोजन गैस को कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वो होती है अमोनिया सबसे पहले जैसे कन्वर्जन होता है वो होता है अमोनिया में ओके okay? और ये है हमारी नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन और ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन ओके okay? तो बेसिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है अब हम डायरेक्टली ये अमोनिया नहीं इस्तेमाल करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके आगे का भी प्रोसेस होता है पर फिक्सेशन का जो मतलब है वो सिर्फ इतना सा है सो so ये हो गया आटा और ये हो गया आटे से बनी रोटी ये कंज्यूमेबल फॉर्म नहीं है भले हमारे पास एटमोसफियर में अराउंड सेवेंटी सिक्स टू सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है ओके okay, एटमॉस्फेयर में लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते ओके okay? तो उसे हमको कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसी कन्वर्जन के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है ये फिक्सेशन का मतलब यही है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में एक ऐसे रूप में बदल देना जिसको कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल कर सके और सबसे प्राइमरी इसको इस्तेमाल करने वाले होते हैं प्लांट्स ओके सो सबसे प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं इस फिक्स्ड नाइट्रोजन का वो होते हैं प्लांट्स प्लांट्स इस फिक्स्ड नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं एसिमिलेट करते हैं और उससे अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और जब हर्बीवोरस एनिमल्स इस प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो वो नाइट्रो वो फिक्स्ड नाइट्रोजन उनके थ्रू आ जा उनके में आ जाता है फिर इस हर्बीवोर को जब कार्निवोर कंज्यूम करते हैं तो वो फिक्स्ड नाइट्रोजन कार्निवोर्स कार्निवोर के पास चला जाता है और हम ह्यूमन बींग्स तो ओमनीवोर्स हैं तो हम डायरेक्टली प्लांट से भी उस फिक्सड नाइट्रोजन को ऑप्टेन करते हैं और एनिमल से भी उस फिक्सड नाइट्रोजन को ऑप्टेन करते हैं ओके तो जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस फिक्स्ड नाइट्रोजन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है वो होते हैं प्लांट्स तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है और अब ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं कि प्लांट हमारे लिए कितना ज़रूरी है ओके सो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है और हेंस हमारे लिए भी नाइट्रोजन साइकिल का चलना या नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है बहुत इसेंशियल है क्यों इसेंशियल है वो भी एक सिंपल अभी आपको एक जिस्ट मिल गया कि नाइट्रोजन की नाइट्रोजन का फिक्सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाइट्रोजन जो अवेलेबल फॉर्म है वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता उसे कंज्यूमेबल कंज्यूम कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है अब अरे एक सिंपल सा हम बोल दें तो जो नाइट्रोजन कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है अभी एक्चुअली में अमोनिया के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा या एक्चुअली में अमोनिया के फॉर्म में प्लांट नहीं इस्तेमाल करेगा इसके आगे का और प्रोसेस होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन इवेंचुअली ये हुआ है कि इस नाइट्रोजन को जब कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो प्लांट इसको यूज़ करेगा तो यूज़ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता हो कि जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं इसमें नाइट्रोजन चाहिए ओके okay? प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है नाइट्रोजन दूसरा जो आपका डीएनए और आरएनए होता है आपका जेनेटिक मटेरियल और आपका प्रोटीन फॉर्म करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है आरएनए पे होती है ओके ये दो ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए और इन तीनों का एक बेस होता है नाइट्रोजन तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो यह तीन का बनना बहुत मुश्किल है ओके या नामुमकिन की तरह है क्योंकि अमोन प्रोटीन प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होगा और डीएनएन आर एन ए में भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ओके तो इसलिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक तो नाइट्रोजन को फिक्स करना इसलिए जरूरी है ताकि प्लांट उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अपना प्रोटीन डीएनए आरएनए ये सब चीजें फॉर्म कर सके और प्लांट की बदौलत बाकी जिंदगियां हैं यानी कि कार्निवोर्स की हरबीवोर्स की ज़िंदगी और कार्निवोर्स की ज़िंदगी ओके तो इस वजह से ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिक्सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ये हो गया ये ये डिस्कशन होगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये प्रोसेस और करना क्यों पड़ रहा है क्योंकि एटमोसफियर का नाइट्रोजन हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ है एन के दो एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होता है और ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है जिसको हम इजीली ब्रेक करके इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ओके okay? हम ब्रीद करेंगे तो नाइट्रोजन हम ब्रीद करने पे भी नाइट्रोजन जा रहा है तो वो बॉडी यूज नहीं कर सकती ना ही प्लांट्स के प्लांट्स यूज कर सकते हैं ना ही आपके ये एनिमल्स यूज कर सकते हैं ओके okay? तो ये फिक्सेशन इसलिए जरूरी होती है ठीक अब ये जो फिक्सेशन का प्रोसेस होता है ये करता कौन है ओके okay? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो पूरी बागडोर है वो है प्रोकारियोड्स के हाथ में प्रोकारियोट्स के हाथ में इनके हाथ में पूरी बागडोर है नाइट्रोजन साइकिल की ओके पूरी नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वो इनकी मदद चलती है अब मैं साइकिल वर्ड क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम एटमॉस्फेयर से कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो चीज़ एटमॉस्फेयर तक वापस पहुंचानी भी पड़ेगी क्योंकि अगर नहीं पहुंचाएंगे हम तो फिर एक टाइम के बाद एटमॉस्फेयर से वो चीज़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी जैसे सिंपल सा है कि अगर बादल से बारिश बनती है तो जो नीचे पानी आता है वो वापस से जाके बादल बनाता है तब ये साइकिल चलती है सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम डिस्कस करेंगे वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस होगा कि हाँ एटमोसफेयर से नाइट्रोजन गैस को हमने लिया फिक्स किया पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम में चला और ये वापस से एटमोसफेयर तक कैसे पहुंचेगा ये पूरी की पूरी बागडोर प्रोकारियोर्स के पास में होती है ठीक है यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करती हैं, इस प्रोकारियोट्स में भी जो मेन होते हैं नाइट्रोजन के साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं वो होती हैं बैक्टीरिया ओके <coughs> कई टाइप्स की बैक्टीरिया आएंगी ओके तो हम उनको कैटेगरी के वा, कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन सा कौन सी बैक्टीरिया इस कैटेगरी में फिट होती है ओके तो प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के हाथ में पूरी नाइट्रोजन साइकिल का बागडोर है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करना फिक्स करने के बाद इसको प्लांट के इस्तेमाल करने लायक बनाना और फिर उस ये फिक्स्ड नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेयर में भेजना ये पूरा का पूरा काम एट यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के हाथ में होता है ओके तो ये जो पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो पूरी साइकिल है नाइट्रोजन फिक्सेशन तो एक स्टेप हो गया उसमें जो नाइट्रोजन की पूरी साइकिल है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है तो पहले मैं आपको एक आपको पार्ट बता देता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं उसमें फिर हम बारी बारी से हर स्टेप को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इस स्टेप का क्या रोल है ओके तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की ओके? So, इस नाइट्रोजन साइकिल में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे सबसे पहला आएगा आपका यही दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे प्राइमरी स्टेप होता है नाइट्रोजन का फिक्स कर, करना नाइट्रोजन को फिक्स करना नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा अमोनिफिकेशन ओके एंड देन अगला स्टेप होता है नाइट्रीफिकेशन ओके okay? सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया अमोनिफिकेशन भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है भी आगे पता चल जाएगा आपको नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में एक्चुअली में जैसे मैंने बताया शुरू में कि अमोनिया बन तो गया ये पहला प्रोडक्ट हो गया ये बना तो मतलब नाइट्रोजन फिक्स हो चुका है ओके सॉइल में मिट्टी में ओके अब ये नाइट्रोजन को जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली ये फॉर्म यूज़ नहीं होता है ओके बहुत रेयरली है कि यूज़ होता है तो ये कंज्यूमेबल फॉर्म में मतलब इसको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा उस नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्जन के बाद प्लांट उसको कंज्यूम करेगा उसी इस अमोनिया को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है ओके एंड देन नाइट्रिफिकेशन होगा एंड एसिमिलेशन होगा एसिमिलेशन का सिंपल सा मतलब होता है यूज करना ओके okay? जब नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म बन जाएगा तो उस नॉन टॉक्सिक फॉर्म को आपका प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और अपने प्रोसेस में इस्तेमाल करेगा क्यों इस्तेमाल करेगा वो ऑलरेडी मेंशन है कि प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा और जेनेटिक मटेरियल के लिए और आर uh, बनाने के लिए इस्तेमाल होगा ओके okay? तो यहां पर इसीलिए मैं एसिमिलेशन भी मैंशन कर रहा हूं एसिमिलेशन एंड देन अब जैसे कि मैंने बताया क्योंकि एक साइकिल है तो हमने हम सिर्फ लेते रहेंगे तो वो रिजर्व वॉयर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा तो इस वजह से उसमें वापस से रीफिलिंग भी होनी चाहिए तो ये साइकिल चलेगी तो आया दिया इस्तेमाल किया चलो एक्स्ट्रा बचा वापस से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज दिया ऐसा प्रोसेस चलना पड़ता है ओके तो यहां पर उस प्रोसेस के लिए होता है डी डीनाइट्रिफिकेशन और यहीं पर एक और स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं एनामॉक्स। ओके इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस है जैसे यहां पर मैंने बताया वैसे ही है पर इनकी जो जो इनका एक्चुअल जो फाइनल स्टेज है या जो आउटकम है वो सेम होता है इन दोनों का काम होता है कि नाइट्रो जो फिक्स नाइट्रोजन है उसको वापस से मॉलिकुलर नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देना वो अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे सेम यहाँ पर भी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन में ऑर्गेनिज़म्स अलग होते हैं सोर्स भी अलग होता है लेकिन दोनों का काम होता है कि आपको सॉइल में अमोनिया को प्रोड्यूस करना है सॉइल में अमोनिया को प्रोवाइड करना सॉरी ओके प्रोड्यूस नहीं करना प्रोवाइड करना ओके okay? जब सॉइल में अमोनिया प्रोवाइड कर दी जाती है उसी को कहा जाता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होना और अब आप समझ ही गए होंगे कि बायोलॉजिकल वर्ड क्यों जुड़ा है क्योंकि ये काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है दैट इज बैक्टीरिया इस वजह से यहां पर बायोलॉजिकल वर्ड जुड़ा हुआ है ओके सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में यह साइकल पूरी जो चलती है उसमें ये स्टेप्स आते हैं अब हम बारी बारी से एक एक स्टेप्स का डिस्कशन करेंगे ओके सो so, सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड अमोनिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे ओके सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली क्या है सिंपल सा बहुत जो मैंने अभी ऊपर ही आपको लिख के बताया यही चीज है उसका मतलब कि जो मॉलिकुलर नाइट्रो जो एटमोस्फरिक नाइट्रोजन है उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देना ओके okay? तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब अमोनिफिकेशन फिक्सेशन ये बताता हूँ अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में और आपको क्या जानना है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का यही मतलब है कि एन को एन यानी अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं किस प्रोसेस से रिडक्शन के प्रोसेस से ओके okay? अब <coughs> इसके अलावा आपको और क्या जानना है कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाली बैक्टीरियाज क्या कौन कौन सी होती हैं और एक्चुअली में ये बैक्टीरियाज ऐसा कर क्यों पाती हैं अब जाहिर सी बात है अगर ये बैक्टीरिया ये प्रॉपर्टी कैरी कर रही है बाकी कोई नहीं कर पा रहा है तो मतलब उन बैक्टीरियाज़ के पास कुछ अलग होगा कुछ ऐसा स्पेशल पार्ट होगा कुछ ऐसा स्पेशल मॉलिक्यूल होगा जिसकी बदौलत ये हो पा रहा है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे ओके okay? सोम so, तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती हैं, उन्हें हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ओके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं एक होती है फ्री लिविंग फ्री लिविंग ओके फ्री लिविंग का मतलब ये फ्रीली सॉइल में अवेलेबल होती हैं, ओके okay? इसमें आप इस कैटेगरी में आपका आता है साइनोबैक्टीरिया ओके साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इन्हीं को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी ओके इसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन जो बैक्टीरिया है वो है एनाबिना एंड नोस्टॉक ये कॉमन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है अभी इस लिस्ट में जितने भी नाम लिखे सिर्फ उन्हीं को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहेंगे आगे जो भी बैक्टीरिया जाएंगी वो अपने काम के हिसाब से जानी जाएंगी जैसा अभी आपने देखा तीन हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी यहां पर भी ये बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन नहीं कर रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है अमोनिफिकेशन इज स्लाइटली डिफरेंट ओके एंड देन इसी कैटेगरी में आपको एजोटोबैक्टर भी मिलेगा एजोटोबैक्टर स्पीशीज ओके इसी कैटेगरी में हमें बेजरिंकिया स्पीशीज भी मिलेगी किया, ओके okay. इसी स्पीशीज में हमें इसी कैटेगरी में हमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी मिलेगी ओके okay. ये कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है मतलब ये किसी से एसोसिएटेड नहीं है ये अपना फ्रीली सॉइल में अवेलेबल है अब अगर फ्री लिविंग कैटेगरी बनाई गई है तो दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है ऐसी बैक्टीरिया जो कि प्लांट के रूट के साथ एक म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं। म्यूचुअलिस्टिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फायदा होता रहता है कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कुछ लेता है तो बदले में उसको कुछ देता है ओके तो ये म्यूचुअलिस्टिक और रिलेशनशिप में रहते हैं ओके तो म्यूचुअलिज्म और आप कह सकते हो सिंबाइंट ओके okay? ये रिलेशन में रहने वाली बैक्टीरिया इस कैटेगरी में हमें क्या क्या नाम मिलेगा इसमें हमें नाम मिल सकता है राइजोबियम ओके राइजोबियम की स्पीशीज़? कई सारी स्पीशीज़ है इसमें सीनो राइजोबियम ब्रैडी राइजोबियम ओके एजो राइजोबियम ऐसे करके बहुत सारी स्पीशीज हैं ओके एंड देन इसी कैटेगरी में आपको फ्रैंकिया स्पीशीज मिलती है ओके और इसी कैटेगरी में हमें एजोस्पायरलम भी मिलता है एजोस्पायरलम स्पीशीज ओके तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये फ्रीली सॉइल में अवेलेबल होते हैं और ये लोग रूट के साथ प्लांट रूट के साथ एसोसिएटेड होते हैं आपने अगर सुना हो तो राइजोबियम स्पीशीज़ जो होते हैं वो लेग्यूम क्रॉप्स के साथ रूट नॉड्यूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं रूट नॉड्यूल का फॉर्मेशन राइजोबियम स्पीशीज़ की वजह से ही होता है और उसी नोड्यूल में ये बैक्टीरियाज एक्यूमलेटेड रहती हैं और वहां पर ये क्या काम करती हैं ये काम करती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसीलिए अगर आपने इन जनरल आपने सुना होगा कि अगर आप कोई लेग्यूम क्रॉप अगर बोते हो पहले खेत में लेग्यूम क्रॉप लगा दो उसके बाद आप कोई फसल करते हो या किसी चीज़ की खेती करते हो तो अच्छा रिजल्ट या अच्छा पैदावार मिल सकता है बिकॉज जब आपने लेग्यूम क्रॉप लगाया तो उस लेग्यूम क्रॉप की वजह से क्या बढ़ा इन प्रोकारियोट्स यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और उसकी बदौलत सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट भी इंक्रीज हुआ ओके okay? इसीलिए आपने देखा होगा कि क्रॉप रोटेशन किया जाता है आ, ये क्या नाम है गेहूं की फसल और ये मटर इनको हम साथ में ग्रो करते हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि मटर थोड़े टाइम बाद आप निकल जाएगा जब तक आपका गेहूं बड़ा होगा लेकिन वो मटर आपके गेहूं को आ, एक अच्छा नाइट्रोजन रिच सॉइल प्रोवाइड कर पाता है ओके okay? ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड होती है हम ये ही नहीं कह सकते कि बस हमने लगाया तो चलो सब चीज़ हो गया फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनिशियली उस सॉइल की क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत मायने रखती है हम सिर्फ सिर्फ उस मटर की फसल के भरोसे नहीं रह सकते कि चलो लगा दिए तो ये पूरा नाइट्रोजन यही दिला देगा ओके सो इनिशियल जो उसका कंडीशन था उस सॉइल का वो भी बहुत मायने रखता है ओके okay? तो ये हो गया बैक्टीरिया का नाम जो कि ये काम कर सकती हैं क्या काम कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अब ये लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं उसके बारे में जानते हैं फिर हम अमोनिफिकेशन समझेंगे ओके ओके सो सवाल रिमूव दिस पोर्शन ओके सो ये बैक्टीरियाज ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास एक एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये एंजाइम ही इनका सबसे बड़ा हथियार है या इस बैक्टीरिया को इतनी ज्यादा इज्जत दे रहा है ओके क्योंकि इनके पास ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए इस नाइट्रोजनस इंजाइम के बारे में कुछ मेज कुछ मेजर इंफॉर्मेशन जान लेते हैं सबसे पहली बात तो ये सिंगल एंजाइम नहीं होता है एक्चुअली में अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं इंजाइम कॉम्प्लेक्स ओके ये एक इंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है इसमें दो पोर्शंस होती हैं ओके okay? ये जो हमने नाइट्रोजनस एंजाइम लिख दिया आप उसको बेसिकली क्या लिखेंगे नाइट्रोजिनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स ओके अब इस कॉम्प्लेक्स के दो पोर्शन होते हैं उसमें पाया जाता है एक होता है एफी प्रोटीन ठीक है और दूसरा कॉम्प्लेक्स कहलाता है एमओ एफ प्रोटीन एफ ई मतलब आयरन हो गया और एमओ का मतलब हो गया मोलिपडेनम ओके okay? ये दो पोर्शन पाए जाते हैं इसका हम नाम देते हैं डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज डाई रिडक्टेज ओके डाईनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज ये इसका नाम है और जो एमओएफी प्रोटीन है इसका नाम होता है डाईनाइट्रोजिनेस ओके okay? ये दो पोर्शंस होती हैं पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया क्योंकि इसमें दो, पर, दो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ये दो प्रोटीन का पोर्शंस है एफ प्रोटीन और एक एमओ एफ प्रोटीन ओके तो अब जैसा कि यहां पर सिर्फ साफ साफ लिखा है कि ऊपर कि ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है ये एक रिडक्शन का प्रोसेस है रिडक्शन का प्रोसेस है इसका मतलब कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ओके ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट कर रहा है मतलब देने वाला भी कोई होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देगा फिर ये एक्स को एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में ओके तो उसके लिए यहां पर नाम आता है फेरीडॉक्सिन प्रोटीन का फेरीडॉक्सिन प्रोटीन ओके फेरीडॉक्सिन प्रोटीन क्या करती है ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करती है ओके ये फेरीडॉक्सिन प्रोटीन एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करती है अब इसका प्रोसेस होता कैसे है कि ये फेरीडॉक्सिन प्रोटीन इस नाइट्रोजेनस इंजाइम कॉम्प्लेक्स के एफी प्रोटीन को पहले इलेक्ट्रॉन देती है ओके okay. ये इसे इलेक्ट्रॉन देती है एफी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को फिर ये इलेक्ट्रॉन एफ प्रोटीन से एमओ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है ये इलेक्ट्रॉन इससे इसको मिला इससे इसको मिला फिर एमओ एफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है एन के पास और ये कन्वर्ट हो जाता है एन में अमोनिया में इसकी एक इक्वेशन है वो भी मैं लिख के भी आपको बताऊंगा बहुत इजीली समझ आ जाएगा पर बेसिकली आप समझ समझ याद रखना है कैसे कि अगर रिडक्शन का प्रोसेस है मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ले रहा है मतलब देने वाला कोई होगा देने वाला जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटर कौन है यहां पर फेरीडॉक्सिन प्रोटीन ये प्रोटीन इलेक्ट्रॉन किसको देती है डायरेक्टली उसको नहीं पहुंच रहा है याद रखिएगा ओके ये इलेक्ट्रॉन पहुंचता है नाइट्रोजिनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स के वाया नाइट्रोजन को ओके okay, कैसे कैसे पहुंचा फेरीडॉक्सिन से एफ ई प्रोटीन पोर्शन को मिला फिर वो इसको एमओ एफ ई प्रोटीन पोर्शन को देता है फिर एमओ एफ ई प्रोटीन का जो पोर्शन होता है वो नाइट्रोजन को प्रोवाइड करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है एनहेंस नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया ये है एक्चुअल में फिक्सेशन का प्रोसेस ये है छोटा सा स्टेप ठीक इसके आगे के जो स्टेप्स है वो साइकिल का पूरा हिस्सा है अगर आपसे कोई सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछ रहा है तो ये सिंपल सा है लेकिन जब भी कोई फिक्सेशन पूछता है तो आप बेसिकली पूरा नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस भी बताते हो क्योंकि फिक्सेशन का हम जब शुरुआत ये कहकर बोलते करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट यूज़ कर सके तो हमें वहाँ तक भी दिखाना पड़ेगा कि क्या प्लांट इसको यूज़ कर लेगा डायरेक्टली हमें दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम इसे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट उसको इस्तेमाल करता है ठीक है तो ये हो गया फिक्सेशन का प्रोसेस अब इसी प्रोसेस को ये जो स्टेप मैंने यहाँ दिखाया है इसको मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ वो आपको आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा आप लिखोगे एग्जाम्स में मार्क्स वगैरह के लिए और ऐसे नॉलेज के पर बेस पर भी आपको वो इक्वेशन पूरी पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है इस प्रोसेस के लिए ठीक और एक और बात आप नोट कर लीजिएगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है ये एनारोबिक कंडीशन में होता है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों उसके पीछे भी रीजन है वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे ठीक <coughs> ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है एनारोबिक कंडीशन ठीक क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा अब हम इक्वेशन पे मूव करते हैं <coughs> So, इस प्रोसेस में हमने अभी देखा है क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें तो क्या होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है एट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं एट एच प्लस चाहिए होता है और सिक्सटीन एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं मतलब वेरी हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये ओके और ये स्टेप कौन रेगुलेट कर रहा है ये लोग ठीक है नाइट्रोजनेस इन इंजाइम कॉम्प्लेक्स ये रेगुलेट कर रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे आरोज की दिखा दी इससे हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है दो अमोनिया मिलते हैं इससे हमें हाइड्रोजन गैस भी बनती है सिक्सटीन एडीपी मिलते हैं और सिक्सटीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स मिलते हैं क्योंकि ए है यूज़ हो रही है तो ए में कन्वर्ट होगा और सिक्सटीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है तो आप कह सकते हो कि एक मोलिक एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए एट इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है और सोलह ए के मॉलिक्यूल्स लगते हैं और बदले में हमें दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ये है इसका प्रोसेस ये प्रोसेस ये जो पूरा स्टेप है ये कौन गवर्न कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास पाए जाने वाला नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये इस प्रोसेस को गवर्न कर रहा है और यही ये जो आठ इलेक्ट्रॉन है ये कौन दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं फेरीडॉक्सिन से ये है डोनर जो ये काम करवा रहा है अब डोनर कैसे दे रहा था ये मैंने भी पीछे ही बताया डायरेक्टली नहीं देता है ये डोनर कॉम्प्लेक्स को पास करता है फिर उस कॉम्प्लेक्स के वाया इस नाइट्रोजन को मिलता है एनहेंस वो अमोनिया में कन्वर्ट हो पाता है तो ये थी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जो आपको जानना चाहिए अब एक सवाल और बचा है कि क्यों ये प्रोसेस एनारोबिक हो रहा है ठीक उसकी एक्सप्लेनेशन समझे देखिए अभी इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही एक तो पहले तो हाई इन हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है ये कैसा प्रोसेस है रिडक्शन का प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना पड़ रहा है कोई डोनेट कर रहा है तो कोई ले रहा है और जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो अमोनिया में नहीं कन्वर्ट होने पाला है ठीक तो जो एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और अभी अगर आप पीछे इसके पीछे जस्ट जो मैंने बताया अगर उसे ध्यान में रखिए तो क्या बताया मैंने एक तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्टली दिया नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को, electron को पास द पार्सल खेला जा रहा है पहले तुम लो तुमसे तुम उसको जाएगा उससे उससे जाएगा ऐसे भी हुआ है ना फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन दिया सीधा सीधा नाइट्रोजन को नहीं दिया फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया पहले उसने दिया एफी प्रोटीन को फिर एफी प्रोटीन दे रहा है एमओ एफ प्रोटीन को फिर एमओ एफ प्रोटीन दे रहा है नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो बहुत इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बहुत रैपिडली हो रहा है ठीक है ओके और वो जो एक्सचेंज करने की जो साइट्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट है इसी इंजाइम के ऊपर प्रेजेंट है ओके क्योंकि इसी इंजाइम से ही इसने लिया और इसी ने दिया भी लिया भी इसने फेरिडॉक्सिन से और इसी ने नाइट्रोजन को दे दिया ठीक अब अगर इस प्रोसेस के दौरान पर मतलब जहां पर ये इंजाइम काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करवा रहा है उस दौरान पर अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन कैसा है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ठीक तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वहां प्रेजेंट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे एक्सचेंज हो रहा है किसी और के बीच में ये उस प्रोसेस को इंटरफेयर कर देगा जो इलेक्ट्रॉन फेरीड से इस इंजाइन के पास पहुंचना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर इंटरफेयर करेगा और अगर ऑक्सीजन ने इंटरफेयर किया तो वो ऑक्सीजन इस इंजाइम की इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग वाली साइट को इिवर्सिबल uh, तरीके से इनएक्टिवेट कर देगा वो वो पूरी तरीके से खराब है मतलब वो सही नहीं कर सकते वो डिस्ट्रॉय हो गया इसीलिए ये प्रोसेस कंडीशन यानी कि एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म होता है ओके एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है उसके पीछे यही रीजन है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चल रहा है वो भी डायरेक्टली नहीं पास द पार्सल खेल के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पर भाई कोई और आ गया स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहिए वो उसको ऐसे खींच के अपने तरफ ले लिया तो बस खत्म उस बेचारे का कोई वैल्यू नहीं बचेगा ठीक तो फिर वो क्या आ क्या करूं मैं फिर जॉब छोड़ दूँ तो वो जॉब छोड़ देता है और वो बुरी तरीके से छोड़ता है क्योंकि वो इर तरीके से इनएक्टिवेट हो जाता है तो इसलिए ऑक्सीजन का ना होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के लिए ओके सो यह है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है बैक्टीरिया करती है कैसी बैक्टीरिया फ्री लिविंग भी होती हैं और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप वाली भी होती हैं क्यों कर पाती हैं क्योंकि इनके पास नाइट्रोजनीस इंजाइम होता है नाइट्रोजनीस इंजाइम के बारे में हमें क्या जानना जरूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स है पहली बात तो ठीक फिर इसमें दो पोर्शन्स होते हैं एफ ई प्रोटीन का पोर्शन होता है और एम एफ प्रोटीन का पोर्शन होता है इसका मतलब आप ये समझें कि ये इंज़ाइम को वो मेटल आयंस चाहिए होते हैं एज को फैक्टर ठीक है और एक और बात है ये जो एफ ई प्रोटीन का पोर्शन और एम एफ ई प्रोटीन का पोर्शन है ये इंडिविजुअली काम नहीं करते ये जब एसोसिएटेड रहेंगे तभी काम करेंगे तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा तभी नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करता है अदरवाइज इट इट डजेंट ओके तो और ये इंजाइन नाइट्रोजन की एब्सेंस में काम करता है बिकॉज नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो इस वजह से अब हम आगे बढ़ते हैं अमोनिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है तो अभी हम क्या याद रखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमें अमोनिया मिला ठीक है और ये अमोनिया जो होता है वो आयनाइज <coughs> होकर अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है बहुत रैपिडली ओके सॉइल में अमोनिया आयोनाइज होकर अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिकली इनिशियली जब हम शुरुआत करते हैं आगे के प्रोसेस के प्रोसेस लिए इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो अमोनियम से शुरुआत होती है तो अमोनिया में कन्वर्ट होता हो जाता है ओके अब आते हैं अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के ऊपर जानते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अब ये इस अमोनिया का होगा क्या इस अमोनियम आयन का क्या होगा साइकिल में ठीक आई होप यहां तक अभी क्लियर होगा आप लोग को ओके सो so, देखो अमोनिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है आप याद रखेंगे अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं आ रही हैं वहां पे कोई और आएगा ठीक इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम है इस प्रोसेस में इसीलिए मैं सबको सेपरेटली बता रहा हूँ तो आप कैटेगरी वाइज ही उसको समझेंगे ओके सेपरेट सेपरेट ओके सो बेसिकली क्या है जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एटमोसफियर से नाइट्रोजन सॉइल में गया सॉइल से वो चला गया प्लांट में प्लांट से वो गया हरबी वोर में हरबी वोर से गया वो कार्निवोर में और ओमनीवोर सब में पहुंच गया ठीक मतलब हम भी नाइट्रोजन से बने हुए हैं हमारे पास भी नाइट्रोजन का भरमार पड़ा हुआ है ठीक है मतलब हमारे से भी नाइट्रोजन को लिया जा सकता है इस्तेमाल करने के लिए किसी और के द्वारा हम भी वही करते हैं ना अगर हम प्लांट खा रहे हैं तो प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं उनके बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो वही चीज होता है अमोनिफिकेशन का प्रोसेस मतलब कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग हो गया है मर मर गया है ओके मिट्टी में पड़ा हुआ है प्लांट का ही कोई हिस्सा प्लांट की पत्ती टूट के गिर रही है या प्लांट का पूरा प्लांट गिर चुका है या कोई एनिमल मरा हुआ है तो जब वो एनिमल डीकम्पोज हो रहा है सॉइल में ओके सॉइल वाली एरिया में तो सॉइल में तो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ठीक तो <coughs> बेसिकली यहां पर हम क्या कहते हैं अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में मोनिफिकेशन के प्रोसेस में जो ऑर्गेनिक मैटर है ठीक ऑर्गेनिक मैटर क्या है वो मैंने बता दिया आपको भी क्या ठीक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं ठीक वो प्लांट्स भी हो सकता है प्लांट खुद भी हो सकता है कोई एनिमल हो सकता है हम ह्यूमन बीइंग्स भी जब बरी किया जाता है जिन जब किसी किस किसी मतलब ऐसे डेड बॉडी डेड बॉडी को जब बरी करते हैं तब एंड uh, uh, या फिर uh, कोई uh, ये क्या नाम है जब एनिमल एक्सक्रीटा होता है क्योंकि जब एनिमल एक्सक्रीटा रिलीज हो तो उसमें भी बहुत सारा फूड uh, मटेरियल होता है बहुत सारा प्रोडक्ट uh, होता है जिससे कि अमोनिया ऑप्टेन किया जा सकता है तो इस ऑर्गेनिक मैटर से अमोनियम को ऑप्टेन करना अमोनिफिकेशन कहलाता है ये अमोनियम कहाँ चला जाएगा Soil में चला गया अब सॉइल में कैसे पहुंचा जब सॉइल में वो एनिमल एक्सक्रीटा या सॉइल में कोई एनिमल की डेड बॉडी पड़ी होगी या सॉइल में प्लांट गिरा हुआ तब ठीक है तब अब ये करवाता कौन है ये प्रोसेस कराता है डीकंपोजर डीकंपोजर Decomposer. इनका काम होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसी प्रोसेस के दौरान ये अमोनियम आयन या अमोनिया प्रोड्यूस कर देते हैं जो आयनाइज होकर अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है ठीक ये डीकम्पोजर्स कहलाते हैं या हम इनको क्या कहते हैं सैप्रोफाइट्स कहते हैं ठीक <coughs> ओके तो मिट्टी में सॉइल में अमोनियम पहुंचाने का मेजर पोर्शन तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है और ये पोर्शन भी होता है इस पर तो सिर्फ निर्भर रह नहीं सकते वरना कोई खेत है वहां पर कभी कोई मिट्टी गए कोई डेड ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंचा आपको पहली पहली फसल उगानी है तो फिर वो वहां पर जो वो, वो नाइट्रोजन का कंटेंट आया किसकी वजह से आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से आएगा ओके क्योंकि ये बहुत ही एक कंडीशन वाला प्रोसेस हो गया ठीक अब बहुत बड़ा और पेड़ भी बहुत सारा बड़ा सा पेड़ होगा तब तो उससे ढेर सारा नाइट्रोजन मिल पाएगा ना छोटे छोटे पेड़ होंगे अगर वो डेड होते हैं तो कितना ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा थोड़ा सा ऑर्गेनिक तो थोड़ा सा भी मिलेगा तो ये मेजर प्रोसेस है सॉइल में नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए ये एक अल्टरनेट है या सपोर्टिंग प्रोसेस है तो ये एक सिंपल लिए है कि अमोनिफिकेशन भी होता है नाइट्रोजन को आ, ये अमोनिया को प्रोवाइड करने के लिए आप देखिए अमोनिफिकेशन का प्रोसेस एरोबिक होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा ये याद रखिएगा <coughs> सॉरी एक एरोबिक प्रोसेस है ठीक क्योंकि यहाँ पर तो हम और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन ले रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का नाइट्रोजन मतलब ऑलरेडी फिक्स है नाइट्रोजन बस हम किसी और को किसी उसका जो रूप है बस वो बदल रहे हैं ठीक है वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है अब आटा अगर गुथ गया ठीक अब उस आटे से आप रोटी बनाओ चाहे पराठा बनाओ आपने आ, मतलब आटे को गुथ दिया मतलब आपने उसको फिक्स कर दिया अब आप उससे रोटी बना लो चाहे पूरी बना लो चाहे पराठा बना लो और फॉर्म हो गए आराम से हो गए अलग अलग फॉर्म हो गए वही चीज है यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन फिक्स है ये नाइट्रोजन या तो प्लांट से आया होगा या तो किसी एनिमल से आया होगा उसे सिर्फ हमें उसका रूप चेंज कर रहे हैं ओके तो इसलिए फिक्सेशन नहीं कला इसीलिए इसको मैंने अलग अलग लिखा इट इज नॉट फिक्सेशन इट इज जस्ट कि आप यहां पर उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो इसीलिए ये एरोबिक प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है डीकम्पोजर्स और सैप्रोफाइड्स ये काम ऐसा करते हैं ठीक <coughs> अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ अब इस आगे बढ़ने से पहले ये बता देते हैं कि कुछ प्लांट्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अमोनियम को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सके पर ये रेयर होता है मतलब वेरी रेयर नहीं रेयर ओके okay? लेकिन एवरी प्लांट इज नॉट केपेबल ऑफ यूजिंग अमोनिया डायरेक्टली ओके फॉर द एसिमुलेशन प्रोसेस ठीक है तो अमोनिया डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकते सारे प्लांट्स कुछ ही प्लांट कर सकते हैं इसीलिए इस अमोनियम का इस अमोनियम का एक और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है जिसको प्लांट बहुत आसानी से कंज्यूम कर सके और एसिमिलेट कर सके ठीक है ओके तो उसी के लिए आगे का प्रोसेस हम पढ़ते हैं जो हमने सेकेंड स्टेप लिखा था वहां पर जिसका नाम था नाइट्रीफिकेशन <coughs> तो अब हम नाइट्रीफिकेशन पढ़ते हैं और नाइट्रीफिकेशन के साथ साथ हमने एसिमिलेशन लिखा था तो एसिमिलेशन तो वही है जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि इस्तेमाल करना उसका प्रोटीन डीएनए आरएनए ये सब चीजें बनाने के लिए <coughs> तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है नाइट्रोजन साइकिल का ये हमारा स्टेप है कहलाता है नाइट्रीफिकेशन ओके सो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ओके okay? तो हम बारी दोनों पार्ट को सेपरेटली लिखते हैं सबसे पहला पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं इस पार्ट को हम कहते हैं अमोनिया ऑक्सीडेशन अमोनिया ऑक्सीडेशन ओके और इसी का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नाइट्राइट ऑक्सीडेशन नाइट्राइट ऑक्सीडेशन ठीक है ये दो पोर्शन होते हैं इन दोनों पोर्शन को मिलाकर नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस बनता है ओके अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं फिर नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करते हैं इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी पहले लिखकर आपको बता देते हैं नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस हो तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जो आपका एन एच फोर प्लस होता है अमोनियम आयन मैंने बताया ना अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है आयनाइज होता है इस अमोनियम आयन को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है एनओ टू माइनस में जिसे हम नाइट्राइट कहते हैं और इस एनओ टू माइनस को हम kon, फिर कन्वर्ट किया जाता है एनओ थ्री माइनस में जिसे हम नाइट्रेट कहते हैं ट्रेट और नाइट्राइट ठीक है अमोनियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट और <coughs> नाइट्रेट ही वो एक्चुअल फॉर्म है जिसे मैक्सिमम अमाउंट में और सबसे ईजिली प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है और एसिमिलेशन के लिए इस्तेमाल करता है इसीलिए ये इसे आप और दूसरी भाषा में हम क्या हैं दिस इज दी नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जिसे कि प्लांट बहुत इजीली एब्जॉर्ब करता है अपने रूट्स के थ्रू अपने जड़ों के थ्रू और उसे एसिमिलेशन के लिए इस्तेमाल करता है ओके और इसको यहाँ तक पहुँचाने के प्रोसेस को हम नाइट्रीफिकेशन कहते हैं यहाँ पर जो बैक्टीरिया मदद करेंगी उन्हें हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे वहाँ जो क्या था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और उसमें भी दो कैटेगरी हो गई अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया दोनों कैटेगरी में कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ ठीक यहाँ पर नाइट अमोनिया का ऑक्सीडेशन करने के लिए जो बैक्टीरिया आती है उसका नाम आप देख लीजिए वहां पर आता है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास मरीना ओके okay, एंड नाइट्रोसो कोकस नाइट्रोसो कोकस मोबिलिस ये दो बैक्टीरिया है ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही है और भी नाम है ठीक ये दो बैक्टीरिया मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि ये बैक्टीरिया का काम होता है कौन सा ये वाला ओके तो इन इनपे हम नंबर वन लिख दे रहे हैं ये बैक्टीरिया पे और यहां पर ये काम आएंगे नंबर वन वाली बैक्टीरिया इनका काम होता है अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में कन्वर्ट करना ये बैक्टीरिया का ठीक नाइट्रोसोमोनास मरीना एंड नाइट्रोसोकोकस मोबिलिस, ओके अब यहां पर जो बैक्टीरिया है इसको हम नंबर टू दे दे रहे हैं यहां पर आप नाम लिख सकते हैं नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर एलकैलिकस नाइट्रोबैक्टर एलकैलिकस सॉरी नाइट्रोबैक्टर एलकैलिकस ओके एंड एक और नाम है इसमें इट्रोस्पिना ओके? Okay. तो ये दो बैक्टीरियाज हैं, और भी है इस कैटेग इसमें भी पर मैंने दो नाम लिखे यहां पर ये यहां पर काम करते हैं ओके okay. इनका काम होता है नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करना ओके okay. तो ये चीज यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में अमोनियम को कन्वर्ट करके नाइट्राइट बनाया जा रहा है उसके बाद इस नाइट्राइट को कन्वर्ट करके नाइट्रेट बनाया जा रहा है और ये नाइट्रेट जो होता है इसी नाइट्रेट को हमारा प्लांट यूज़ करता है यूज्ड बाय प्लांट इस फॉर्म को प्लांट बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है अपनी रूट्स के थ्रू और इसको एसिमिलेट करता है ठीक है आई होप यहां तक क्लियर होगा कि क्या प्रोसेस यहाँ पे चलता है इस कैटेगरी में बहुत सारे नाम आते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन में और भी नाम मेंशन कर दूंगा जो मैंने यहाँ लिखा है वो भी मेंशन कर दूंगा और भी नाम मेंशन कर दूंगा आपको बस याद रहना चाहिए कि इनका काम क्या है और ये भी याद रहना चाहिए कि ऐसे हम इन दोनों को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि ये एक्चुअली में क्या कर रहा है तो ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये बंदा नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन कर रहा है और फाइनली हमें नाइट्रेट मिल जाता है ओके, आई होप इट इज क्लियर अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो मैंने इसके बाद आपको बताया था एसिमिलेशन तो एसिमिलेशन का मैंने यही मतलब बताया था शुरुआत में भी आपको समझाया था कि एसिमिलेशन का क्या मतलब है कि ये जो नाइट्रेट है इस नाइट्रेट को क्या होगा एब्जॉर्ब करेगा पहले प्लांट ठीक है एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके बाद एसीमिलेट करेगा एसीमिलेट का मतलब होता है इसका इस्तेमाल करके अपने इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन इन बायोमोलिक्यूल्स बायो का फॉर्मेशन करना प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड्स बनाना ओके प्रोटीन में बेसिकली क्या बनाएगा अमीनो एसिड्स बनाएगा फिर अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनेगी वो ट्रांसलेशन के बाद ओके okay? और नाइट्रोजनस बेसिस बनेंगे जिससे डीएनए आरएनए बन सके तो ये है एसिमिलेशन का प्रोसेस ओके नाइट्रोजन नाइट्राइट एब्जॉर्ब होगा फिर उसको ट्रांसमिट किया जाएगा देखिए जब एसिमिलेशन का जब ये एब्जॉर्ब होता है तो या तो तुरंत तुरंत इस्तेमाल कर लेगा एसिमिलेट उसके लिए बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेगा या उसको स्टोर भी कर सकता है तो ये जो ये सब होते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट ओके okay? इनको स्टोर करने के लिए प्लांट अपने वैक्यूल्स का इस्तेमाल करता है प्लांट के सेल में जो वैक्यूल ऑर्गेनल पाया ऑर्गनल पाया जाता है उसका इस्तेमाल करता है अब एक और चीज़ अभी ये जो नाइट्राइट होता है ये ये टॉक्सिक फॉर्म होता है लेकिन कुछ प्लांट्स इसे भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं वेरी रेयर ठीक है rare, अगर प्लांट ने नाइट्राइट को एब्जॉर्ब किया तो तुरंत एकदम बहुत इमीडिएटली उसको या तो स्टोर कर देगा वैक्यूल के अंदर ठीक जहां पर उसको कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट में और या फिर इसको तुरंत एसिमिलेशन के प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देगा तुरंत एसिमिलेशन के लिए इसको अपने साइटोप्लाज्म से फ्रीली मूव नहीं करने देगा देर तक ओके ये फॉर्म एब्जॉर्ब होता है तो इसको आराम से अपना एक सिक्वेंशियल वे में एसिमिलेशन के लिए भेजा या स्टोर कर लिया स्टोर करना है तो प्लांट वैक्यूल में इसको स्टोर किया जाता है ओके ये हो गया इंफॉर्मेशन कि नाइट्रोजन प्लांट तक पहुंचा कैसे अब पहुंच गया ठीक तो हमारा काम तो हो गया कि चलो वहां से एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन लिया प्लांट पहुंच गया प्लांट को मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा ठीक प्लांट को मिला तो हर वोर को मिला हर वोर को मिला तो ओमनी वोर और कार्नी वोर दोनों को मिल जाएगा मिल गया अब आता है हमारी जिम्मेदारी ठीक मतलब हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है करता तो कोई और है पर अब आता है ये प्रोसेस अभी नाइट्रोजन वापस कैसे पहुंचाएंगे वो रिजर्व वॉयर है ठीक है वहां से मिल तो गया रिजर्व वॉयर को भी तो खत्म होगा कभी खत्म हो सकता है अगर उसमें से आप सिर्फ लेना जानोगे ठीक है तो हमें वापस पहुंचाना है तो अब ये नाइट्रोजन गैस कैसे ऊपर पहुंचती है उस रिजर्वोयर में कैसे पहुंचती है उसके लिए भी दो प्रोसेस मैंने बताए थे एक था डी और दूसरा था anamox. तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे ओके ओके, सो so, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस को जिसका नाम था डी डी नाइट्रिफिकेशन ओके एंड दूसरा जो पोर्शन था वो था एनामोक्स का एनामोक्स <coughs> <Okay? coughs> अब होता क्या है डी <coughs> नाइट्रिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी फिक्सड नाइट्रोजन है उसे वापस से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वापस से रिजर्वॉयर में पहुंचाया जा सके फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सॉइल है सपोज एक एरिया हम एक ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक एरिया है वहाँ पर आपने नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है सब काम हो रहा है तो प्लांट उस टाइम पर एक पॉइंट पर एक लिमिटेड अमाउंट ही तो एब्जॉर्ब कर पाएगा ना आप प्लांट ने जितना ज़रूरत था उस हिसाब था से एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट को ओके अब अगर फ्रीली नाइट्रेट प्रेजेंट है वहाँ सॉइल में तो वो नाइट्रेट क्या होगा ठीक क्योंकि अग, फिर जब नाइट्रोजन गैस कंटिन्यूसली मिलती जा रही है तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो बार बार नाइट्रेट बनाती रहेगी लेकिन प्लांट तो एक लिमिटेड ही अमाउंट में यूज़ करेगा एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो यूज कर लेगा तभी और लेगा तो जो एक्स्ट्रा नाइट्रेट पड़ा होगा उसको क्या करेंगे उस नाइट्रेट को डी के प्रोसेस से वापस से पहुंचा दिया जाता है एटमॉस्फेयर में कि चलो फिर वो रिजर्वयर में भी पहुंचता रहे तभी तो एक साइकिल कंप्लीट होगी और तभी ये चीज हमेशा होती रहेगी अदरवाइज एक पॉइंट पे सिर्फ लेते 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 खत्म ऊपर फिर सब खत्म सब रुक जाएगा ठीक है तो डी का प्रोसेस का मतलब क्या हो गया फिक्सड नाइट्रोजन को एटमोस्फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना ठीक है <coughs> तो डी के प्रोसेस में हम फिक्स्ड नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन फिक्स किया हुआ है उसे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके ऊपर भेज देते हैं ओके okay? एनामॉक्स में भी यही होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ही कन्वर्ट किया जाता है पर दोनों का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है और दोनों प्रोसेस में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है ठीक है और दोनों प्रोसेस होते भी अलग अलग जगह पर है ओके okay? <coughs> तो डी बैक्टीरिया यहां पर हम क्या बोलेंगे डी बैक्टीरिया ये भी सॉइल में ही पाई जाती हैं ओके okay, कुछ नाम देख लीजिए आप डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डी बैक्टीरिया ओके इस कैटेगरी में आपको नाम मिलेगा <coughs> uh, कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूं पहला है पैराकोकस पैराकोकस पैरा कोकस डी डी ओके एंड यहीं पर नाम आता है यहां पर स्यूडोमोनास की स्पीशीज कई सारी हैं स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की कई सारी स्पीशीज स्यूडोमोनास की कई सारी स्पीशीज यहां पे काम करती हैं मैं कुछ नाम यहां पे लिख रहा हूं जैसे कि स्यूडोमोनास एरुजिनोसा सिडोमनास एरुजिनोसा, ओके और सीडोमनास स्टुजराई ओके एंड सीडोमनास प्यूटिडा ये नाइट्रोजन को एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करती है फिक्स नाइट्रोजन को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और एक और नाम है यहाँ पर एक है आ, बैसिलस की भी स्पीशीज़ है ओके okay? बैसिलस की भी कई स्पीशीज हैं जो ऐसा काम कर सकती हैं तो ये है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अब ये बैक्टीरिया क्या करती हैं मतलब एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे चलता है वो सारा ये बैक्टीरिया परफॉर्म कर पाती हैं कैसे <coughs> क्या क्या होता है इस प्रोसेस में जरा उसको हम देखते हैं इसी पोर्शन पे मैं लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है उसी वर्ड को हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं मतलब स्टेप वॉर्म में कि क्या क्या होता है ठीक है तो <coughs> इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है हमारे पास नाइट्रेट है ओके नाइट्रेट है एनओ थ्री माइनस ओके इस नाइट्रेट को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाएगा उल्टी साइकिल चलेगी ओके नाइट्राइट में दैट इज NO2- टू माइनस ये डी नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस मैं बता रहा हूं फिर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज एन ओ ओके फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज एन टू ओ और फिर इस नाइट्रस ऑक्साइड को एन टू यानी कि एटमॉस्फ़ेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये चला जाता है एटमॉस्फ़ेयर में वापस ओके okay, ये है हमारी N2 गैस तो नाइट्रेट या नाइट्राइट को वापस से मॉलिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया डी के प्रोसेस से जिसको करने के लिए ये कुछ बैक्टीरियाज है जो कि हेल्प करती हैं और इस तरीके से ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है ये नाइट्रोजन चला जाता है कहाँ पर एटमॉस्फेयर में तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है इस तरीके से किया जाता है ओके okay? आप, आप, आप सॉइल में देखो ये भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है क्योंकि नाइट्री बैक्टीरिया अगर ये बनाती रहेंगी अगर वहीं एरिया में डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी होंगे तो वो इसको भी यूज़ कर लेंगे ठीक है तो कुछ ये लोग इस्तेमाल करके वापस से भेजती रहेंगी कुछ प्लांट अप कुछ इसमें कन्वर्ट होकर प्लांट तक पहुंचता रहता है दोनों चीज़ें अपना साइमल्टेनियसली होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन उस सॉइल में कौन से बैक्टीरिया का कैसा पॉपुलेशन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज़्यादा है तो वहां पर बहुत सारा नाइट्रेट ना, ना, का मतलब भरमार पड़ा हुआ है प्लांट यूज़ भी कर रहा है फिर भी पड़ा हुआ है प्लांट यूज़ कर रहा है फिर भी पड़ा हुआ है डी नाइट्रीफाइंग दोनों बैलेंस में रहेंगी तो चलो प्लांट को जितना चाहिए वो भी मिल रहा है और वापस से एटमोस्फेयर में जो पहुंचना चाहिए वो भी पहुंच रहा है तो ये प्रोसेस हो गया ठीक ओके okay. <coughs> अब ये तो हो गई सॉइल की बात ये जो एनामॉक्स का प्रोसेस होता है ये एनामॉक्स का प्रोसेस ओशन में हो ओशन के ओके थर्टी टू फिफ्टी परसेंट नाइट्रोजन कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एनामॉक्स का प्रोसेस एनामॉक्स का प्रोसेस ओशन में होता है ओशन मतलब वाटर बॉडीज में होता है ओशन भी आएगा फ्रेश वाटर बॉडी भी आएगा मराइन वाटर बॉडी भी आएगा उस प्रोसेस से वहाँ का अप्रॉक्स 30 टू 50 परसेंट नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो एनामॉक्स के प्रोसेस से बनता है मतलब अगर एनामॉक्स का प्रोसेस होता रहेगा तो क्या होगा जो वहां पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनको भी नाइट्रोजन का सोर्स मिलेगा और वो नाइट्रोजन फिर वो भी नाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं और ये नाइट्रोजन एटमोसफेयर तक भी पहुंचाया जाता है ओके तो एनामॉक्स के प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है क्या बैक्टीरिया है कौन सी स्पीशीज है और वो कैसे करते हैं मतलब बेसिकली कन्वर्ट क्या करते हैं वो जानते हैं ये है डी का अभी एनामॉक्स में बताता हूँ आपको क्लियर सो अब हम डी एना के बारे में जरा देखते हैं कि एनामोक्स कौन करता है तो एनामोक्स के कुछ स्पीशीज हैं मतलब सॉरी कुछ स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जो कि एनामोक्स एनामॉक्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं तो उनके उनका नाम मैं बताता हूं आपको और बेसिकली इनको हम प्लांटोमाइसिटिस फाइलम में रखते हैं एनामोक्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर तो जो ऑर्गेनिज्म ये एनामोक्स करते हैं उनका जो फाइलम होता है वो बेसिकली प्लैंक्टो पी एल ए एन प्लैंक्टोमाइसिटीज का होता है ओके <coughs> इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं कि एनामोक्सोग्लोबस एनामोक्सोग्लोबस स्पेसिस हैं ठीक है जेटेनिया स्पीशिस हैं स्कैलिंडुआ स्कैलिंडुआ स्पीशीज ओके इसमें से ये जो है ये फ्रेश वाटर का है जेटेनिया स्पीशीज फ्रेश वाटर है और स्कैलिंडुआ जो है वो मराइन वाटर का है ओके तो ये लोग हैं जो एनामोक्स करते हैं एनामोक्स के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है एनामॉक्स का भी क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें अमोनियम को मतलब अमोनियम को कन्वर्ट अमोनियम प्लस नाइट्राइट ठीक इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें एन टू मिलता है प्लस एच टू ओ मिलता है दो चीज़ें बनती हैं ठीक तो ये एन टू कहाँ चला जाएगा एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में गया या फिर यही एनटू ओ ओशन के ऑर्गेनिजम्स के लिए भी काम आएगा ओके okay? क्योंकि उन्हें भी तो नाइट्रोजन चाहिए वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे इस्तेमाल करेंगे जो बाकी का और जो नाइट्रोजन एक्सेस होगा वो एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा ठीक तो डिफरेंस <coughs> है दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है एक तो जो सीक्वेंस है बनने का वो भी इनिशियल जो मटेरियल है वो भी और ऑर्गेनिज़म भी अलग अलग है ठीक है और जगह भी वो वाटर बॉडीज में हो रहा है एनामॉक्स का प्रोसेस और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहां पर हो रहा था सॉइल में हो रहा था तो अब वाटर बॉडी में हो रहा है यहां पर ये भी प्रोसेस जो होता है ये आपका एनारोबिक कंडीशन में होता है ओके okay? ठीक डी भी ये दोनों ही एनारोबिक कंडीशन में होते हैं तो आपका नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस और एंड अमोनिफिकेशन का प्रोसेस ये दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और डी नाइट्रिफिकेशन एनामोक्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सब ऑक्सीजन की एबसेंस में होता है ठीक तो ये है हमारी पूरी नाइट्रोजन की साइकिल ये है कुछ ऑर्गेनिज्म अब मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ एक साइकिल के फॉर्म में हम एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक ब्रीफ दे देता हूँ ओके इस प्रोसेस का पूरा हमने कैसे कैसे क्या क्या, क्या चीजें देखी ओके तो हमने आज नाइट्रोजन साइकल देखी और इस नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू हमने ये समझा कि एक जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो हमें मिलता कैसे है अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में इतना सारा प्रेजेंट है तो वो हमें हमारे तक पहुंचता कैसे है और हमें समझ आया कि आसानी से तो नहीं पहुंच रहा है बहुत लंबे चौड़ा रास्ता तय करने के बाद वो हमारे पास आता है तो तो यहाँ पर हम ये बता ये और हमें ये, ये भी पता है कि ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं है ना प्लांट के पास है ना ही आपके एनिमल्स के पास है कोई के पास नहीं है सिर्फ सिर्फ़ बैक्टीरिया के पास है ये लोग हमें फिक्स करके देती हैं लो अब आप इस्तेमाल करो ठीक तो <क्ष्थ> हमने क्या क्या देखा तो अगर हम ऐसे एक स्टार्ट करना चाहे तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं एन टू से ओके तो हमने क्या देखा कि इस एन टू को हमने कन्वर्ट किया किस में इस एन टू को कन्वर्ट किया गया किस में एन एच थ्री में अमोनिया में कन्वर्ट किया गया जिसे फिर अमोनियम आयन में आयनाइज हो जाता है ये ठीक उसके बाद आगे क्या हुआ फिर उसके बाद इस अमोनिया को कन्वर्ट किया गया किस में इस अमोनिया को कन्वर्ट किया गया एनओ टू माइनस में फिर एनओ टू माइनस से इसे कन्वर्ट किया गया एनओ थ्री माइनस में फिर एनओ थ्री माइनस इस्तेमाल हो जाता है ठीक है इस्तेमाल कर सकता है प्लांट ठीक और फिर उल्टी साइकिल भी चलती है ये एनओ थ्री माइनस कन्वर्ट किया जाता है एनओ टू माइनस में ठीक और फिर ये एनओ टू माइनस कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में एनओ NO में और ये एनओ NO कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में एन टू में ठीक है सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड में एन टू ओ में और फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड वापस से एन टू में कन्वर्ट हो जाता है ठीक मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अटपटी हो गई पर हमें बस प्रोसेस पर ध्यान रखना है ठीक अब एक और चीज़ हमने देखी थी कि ये जो N2 होता है ये N2 और कहाँ से मिल सकता है एनामॉक्स के प्रोसेस से जहाँ पर कि एन एच फोर प्लस प्लस क्या होता है एन ओ टू माइनस ठीक ये एन ओ टू माइनस ये वाला एन ओ टू माइनस तो यहाँ पर हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करते हैं ये एनओ टू यहाँ वाला एनओ टू है ठीक ये कहाँ गया है? ये वाला एनओ टू ठीक ये वाला एनओ टू यहाँ पर भी पहुँच जाता है इस प्रोसेस के लिए भी ठीक और ये जो अमोनिया है यहाँ पर जो हमें अमोनिया मिल रही है ये अमोनिया हमें कहाँ से मिल सकती है एक और तरीका था हमारे पास इसको पाने का ये था ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से भी हमें ये अमोनिया मिल पाता है ठीक तो ये कुल मिला जुला कर हमने ये चीज़ें आज पढ़ी ठीक तो ये जो प्रोसेस था ये वाला प्रोसेस इसे हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम दिया ओके आ, जब आ, और ये जो प्रोसेस है इसे हमने क्या नाम दिया अमोनिफिकेशन का इसे मैं छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ क्योंकि एक मे तो एक समराइज़ करने के लिए आप जब मैं लिख लूँगा तब वीडियो पॉज करके आराम से जूम करके देख लेंगे दिखेगा वो और वैसे भी एक ब्रीफिंग ही चल रही है ये और ये जो प्रोसेस था ये क्या था अमोनिया ऑक्सीडेशन था ये अमोनिया ऑक्सीडेशन था ठीक और ये जो प्रोसेस था ये क्या था ये था नाइट्राइट ऑक्सीडेशन ओके okay? और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया था नाइट्रीफिकेशन ओके ठीक और ये जो प्रोसेस था पूरा का पूरा यहाँ से लेकर जो यहाँ तक चल रहा था यहाँ से लेकर पूरा ये वाला जो प्रोसेस है ये तो हमारा एनामोक्स हो गया ओके okay? ये सिंपल सा और ये जो पूरा प्रोसेस है हमारा यहाँ तक ये हमारा क्या कहलाता है ये कहलाता है डी नाइट्रीफिकेशन ओके और यहां पर हम एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है वो क्या कि ये है एसिमिलेटेड बाय प्लांट एसिमिलेटेड बाय प्लांट्स फिर प्लांट्स के जरिए हम सबको मिल पाता है तो ये है पूरी तरीके की हमारी नाइट्रोजन साइकिल जो कि हमारे इकोसिस्टम में चलती है ये गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी पाई जाती है वो इतना चक्कर लगाती है हम तक पहुंचने के लिए ओके और इन सब में हमारी मदद कौन कर रहा है ये देवता ओके देवता ही है ये ठीक है देवी देवता ही है ठीक इनके बिना ये मिल नहीं पाता बैक्टीरिया जी ओके वो भी कितनी टाइप्स की ओके <coughs> नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में बैक्टीरिया भी आएंगी ओके फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देन यहाँ पे डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड देन एनामोक्स परफॉर्मिंग बैक्टीरिया तो ये है पूरा हमारा नाइट्रोजन साइकिल ओके नाइट्रोजन इज इंजाम के बारे में याद रखेंगे दो पोर्शंस होती हैं उसकी और वो क्यों ऑक्सीजन में काम नहीं करता वो पोर्शन वो बात हमें याद नहीं चाहिए ठीक है यहाँ पर भी हमें इसके थ्रू भी आप ब्रीफ याद कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस क्या कहलाता है ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर नाइट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको एंड आप इसको थोड़ा शांति से देखेंगे तो आई होप समझ आएगी चीज़ें ओके सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन अगर आपको ईजी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आपके तरफ से कोई टॉपिक का आइडिया होगा तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं एंड आई ट्राई कि मैं उन सब चीज़ों पे भी सिंप्लीफाइड uh, फॉर्म में एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ ओके थैंक यू सो मच